जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अभिनेता सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से की जा रही है। फिल्म का अगला शेड्यूल दिल्ली में होना है, जिसकी शूटिंग अगले साल की जाने वाली है। हालांकि ऐसे कुछ दिन पहले ही एक खबर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिस खबर में बताया गया था कि गदर 2 के निर्माताओं पर करीब 56 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए जिस घर को लीज पर लिया गया था, उस लीज के रेंट को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ था। जैसे तैसे ये मामला ठंडा हुआ, लेकिन इसी कड़ी में अब गदर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2001 में फिल्म का पहला भाग रिलीज हुआ था। फिल्म को जिस हिसाब से लोगों ने पसंद किया, उस हिसाब से आज भी दर्शक इस फिल्म के अगले भाग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब फिल्म की मेकिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और बताया जा रहा है कि सनी देओल के सबसे करीबी दोस्त कहलाए जाने वाले अब इस फिल्म को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं टीनू वर्मा की, जो सनी देओल के काफी ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। इन्होंने न सिर्फ सनी देओल की फिल्मों में काम किया, बल्कि सनी देओल के साथ कई सारी बड़ी फिल्मों के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं में से फिल्म थी गदर 1 प्रेम कथा। 2001 में जब गदर 1 प्रेम कथा का निर्माण किया जा रहा था, तो बतौर स्टंट डायरेक्टर के रूप में टीनू वर्मा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और फिल्म के कई सारे ऐसे एक्शन सीन थे जिनको फिल्माने में टीनू वर्मा ने अपना काफी सपोर्ट किया, जिसके चलते गदर फिल्म का हर एक सीन काफी ज्यादा परफेक्ट हुआ। कई सारे एक्शन सीन को देखने के बाद हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और एक्शन से लबरेज फिल्म गदर 1 प्रेम कथा सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन इसी कड़ी में अब गदर 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है एक बार फिर से टीनू वर्मा फिल्म के अगले भाग में भी नजर आने वाले हैं और बतौर स्टंट डायरेक्टर के तौर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान इस फिल्म के प्रति वो दिखाने वाले हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गदर 2 इस बार काफी मायनों में खास होने वाली है। फिल्म में उत्कर्ष शर्मा, जिन्होंने जीते का किरदार निभाया था, अब वो बड़ा होकर आर्मी अफसर का किरदार निभाएगा और दुश्मन देश में वो कैद हो जाएगा। फिर तारा सिंह यानी सनी देओल उस दुश्मन देश में जाएंगे और अपने बेटे को वापस भारत वतन लेकर आएंगे। कुछ इस तरह की कहानी होने वाली है, लेकिन देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है कि इस बार का एक्शन किस हिसाब से होगा। जाहिर सी बात है, फिल्म की कहानी को 20 सालों के बाद आगे बढ़ाना काफी मुश्किलों भरा होने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा पर टिकी हुई है। अब किसी भी फिल्म का निर्माण किया जाता है तो कई सारे कलाकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अनिल शर्मा जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, वहीं दूसरी ओर सनी देओल इस फिल्म में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सकीना यानी अमीषा पटेल का किरदार भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है। और सकीना और तारा सिंह के बेटे यानी उत्कर्ष शर्मा की बात करें तो उनके किरदार पर ही फिल्म की कहानी टिकी होने वाली है। लेकिन फिल्म में एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन दिखाना निर्माता निर्देशकों की मजबूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से फिल्म के एक्शन को लोगों ने पसंद किया था, उस हिसाब से एक बार फिर से गदर 2 में वही एक्शन नजर आएगा तो शायद फिल्म ये हिट हो सकती है। लेकिन 20 सालों के बाद दर्शक काफी ज्यादा बदल चुके हैं और एक्शन के मामले में टीनू वर्मा पर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। फिलहाल ये खबर महज अफवाह निकलती है या फिर सच साबित होती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। लेकिन एक नजर डालें टीनू वर्मा के करियर पर तो इनका करियर भी शानदार रहा है। हालांकि बतौर एक्टर इन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन इन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर स्टंट डायरेक्टर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले इन्होंने साल 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम में स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और फिल्म में अपने बेहतरीन एक्शन सीन को फिल्माकर इन्होंने अपना लोहा मनवाया था। इसके बाद इन्होंने कई सारी और भी फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया। गदर 1 प्रेम कथा के अलावा जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, सौतन और 2010 में आई तेलुगु फिल्म पुली में भी इन्होंने बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया। अब एक्शन डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने बहुत ज्यादा नाम तो कमा लिया था, लेकिन एक्टर के रूप में इन्हें वो खास कामयाबी नहीं मिल पाई। सबसे पहले उन्होंने आंखें फिल्म में साल 1993 में एक छोटा सा किरदार निभाया। हालांकि 1996 में आई फिल्म घातक में भी इन्होंने कातिया के भाई का रोल अदा किया था, जिस फिल्म में सनी देओल की बेहतरीन अदायगी देखने को मिली। इसके बाद माँ तुझे सलाम, मेला जैसी कई सारी फिल्मों में इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन उस हिसाब से इन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। हालांकि डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया है, जिनमें माँ तुझे सलाम भी शामिल है, जिस फिल्म में सनी देओल के साथ इनकी जोड़ी देखने को मिली। इस फिल्म में डायरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि इन्होंने खलनायकी के रूप में भी अपना लोहा मनवाया। डायरेक्टर तो इस फिल्म के थे ही, वो इस फिल्म में किरदार भी निभाते हुए नजर आए। अब बॉलीवुड सिनेमा में ही टीनू वर्मा नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी अब इनका दबदबा देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में बहुत ही कम काम मिलने के बाद अब इन्होंने भोजपुरी सिनेमा की तरफ भी रुख किया। लेकिन बताया जा रहा है कि अब गदर 2 की मेकिंग को लेकर एक बार फिर से टीनू वर्मा की वापसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात एक बार फिर से फिल्म में एक धमाकेदार एक्शन सीन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मजेदार खबर को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है? साथ ही आप गदर 2 का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।